राम राम सभी को। आपके अपने चैनल पर आज फिर स्वागत है नई वीडियो के साथ में और नई जानकारी के साथ में। आज जो है हम फिर पेश हैं और भाइयों बड़ी अच्छी जानकारी देंगे और एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जो बिल्कुल प्रोग्रेसिव फार्मर बोलेंगे, प्रगतिशील किसान है और काफ़ी अच्छी जानकारी देंगे आपको। और भाइयों आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ में कि ये नहीं है जो बातें किताबों के अंदर है वो धरती पे तार के उन्होंने दिखाई हुई है। तो आपको मैं मिलाता हूँ, पहले आप गन्ना देखिए शुरू में ही। देखिए गन्ने के साथ में ज़बरदस्त बैंगन की खेती ली हुई है। अब फिर मैं चाचा जी से मिलाता हूँ। चाचा जी विक्रांत भाई एक मिनट जो भी बात करनी वीडियो के थ्रू ताकि और को भी पता चले, अपना परिचय दे दें। वैसे हमारे चाचा जी परिचय के मोहताज नहीं है, कई बार वीडियो आ भी चुकी हैं मगर थोड़ा सा फिर भी जो हमारे नए किसान हैं जो नहीं जानते तो आके देख सकते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में परिचय लूँगा। आप एक बार बता दें। मेरा नाम सतीश कुमार। हाँ जी। गाँव नागोड़ी। हाँ जी। और ये आपका जिला मेरठ पड़ता है। ठीक है जी, आप इनका प्लॉट देखिए। ताऊ जी कब की जो है ये बुआई है? ये 12 मार्च की बुआई है। ये 12 मार्च की बुआई है। ये बैंगन कौन सी वैरायटी लगाई है आपने? बैंगन मेरी वैरायटी का तो मुझे नहीं पता पर वो गोल वाला बैंगन मोटा जो आता है। हाँ, पहला ही साल है मेरा ये सह फसली का। हाँ नहीं, ये तो गन्ना पेड़ी है ना? ये गन्ना पौधा है। ये गन्ना पौधा है। हाँ। और ये बैंगन कब लगाए थे? ये भी मैंने मार्च के महीने में लगाया। मतलब जब गन्ना आपने लगाया था इतना पौध तैयार थी। अच्छा, पौध अलग तैयार कर रखी थी? कर रखी थी, मैंने खुद तैयार कर रखी। और गन्ना लगा दिया? लगाने के बाद मैंने उस पटड़ी पे फिर बैंगन लगवाया था बीचों बीच। हाँ, सेंटर में बीच में। अच्छा जी, फिर ये मैं हम ये जानना चाह रहे हैं जब गन्ना जर्मिनेशन हो गया उससे कितने दिन गन्ना बोने से कितने पौध तैयार हो आप तभी लगा दो, कभी भी लगा दो, बोने के बाद लगा दो। अच्छा जी, या जर्मिनेशन के बाद लगा दो। अगर आपकी पौध तैयार है और मैंने गन्ने की बुआई कर दी तो आप पटड़ी पर कभी भी लगा लो। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे हमने बेड बनाई, बेड पे ऊपर पेड़ लगाए, इन्हें पानी कैसे गया है? पानी चली जाती है, नमी पहुँच गई वहाँ तक ऊपर तक। और लड़के जो पानी दे रहे थे मैंने कह रखा था कि अगर किसी पौधे में नमी नहीं जा रही तो आप फावड़े से हाथ से मिट्टी हटा देना उसकी साइड से। हाँ। तो अब जैसे ये आपने लगाया है तो तुड़ाई हुई है इसकी? हाँ, इसका पौधा लिया मैंने पहले अप्रैल मई जून में, फिर मैंने नीचे से कटिंग करा दिया। तीन महीने चला है। पेड़ी है अब, ये पेड़ी है अब, इसमें फूल आना शुरू हो गया। हाँ जी, और नीचे फल भी आ गया इसमें। तो अब जैसे कोई समस्या आई हो? बहुत आती है इसे, वो सुंडी की बहुत समस्या है बैंगन के अंदर। बैंगन के अंदर और बहुत ज्यादा। अच्छा, इससे तुम्हारा गन्ने पे इफेक्ट? गन्ने पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, जब स्प्रे की जरूरत पड़ती थी तो मैं कह देता कि ऊपर तक मारो, गन्ने पे भी स्प्रे जाएगा और इस पे भी चला जाएगा। अच्छा, दोनों पे स्प्रे हुए। तो इसके पानी की टाइमिंग? पानी साथ ही चला है भाई, जब भी मैंने गन्ने को पानी दिया तभी इसको बैंगन को मिला, क्योंकि गर्मी में तो पानी की जरूरत पड़ती रहती है, बरसात में जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात और सबसे बड़ी बात है कि गन्ने के पास में जो ये मिट्टी लगी हुई है ये कैसे लगवाई आपने? ये मैंने फावड़ों से लगवाई थी। ये कसले से? हाँ। अपना जो ये प्लॉट है कितना बड़ा है? कितने बीघे का? ये 5 बीघे का है। ये 5 बीघे का है। 0118 वैरायटी है इसमें। भाई देखिए कितने शानदार वैरायटी खड़ी हुई है। बराबर गन्ना होगा, सारे गन्ने एक सारे हैं। डबल लाइन ट्रेंच है, मोटाई बराबर है। इसमें कितना बैंगन निकल गया होगा 5 बीघे के अंदर? अभी तक तो मुझे कितना निकल गया ये तो नहीं पता, लगभग पर 30,000 का मैंने बैंगन बेच चुका मैं एप्रोक्स, है ना? हाँ। तो भाई ये मानिए कि गन्ने की जो लागत है वो बैंगन में निकाल के दे रहा है बिल्कुल। हाँ। और पीछे जो है वो 5 फोड़। हाँ जी, वो 11015। देखिए भाई मिल की तरफ से जो है ये प्लेट लगी हुई है। क्या बता रहे थे ताऊ जी? 11015 का है ये बीज। अच्छा, ये 2 रो जो हैं? 5 रो। हाँ, करीब 1 बीघा। ये भाई के पास में भी लगा हुआ है ये। अच्छा। इनके पास में भी ये भी बीज मुझे बहुत पसंद आ रहा। करण 11 अलग है। हाँ, करण 11 अलग है। हाँ, वो दूसरे संस्थान की वैरायटी है, वो दूसरे संस्थान की है, ये दूसरे संस्थान की है।
भाई क्या विक्रांत भाई कैसा लगा प्लॉट? दमदार प्लॉट है भाई, भी इसे देखने के लिए आए थे विक्रांत भाई आज। बराबर। और एक बात और भाई, गन्ना बांध तो सब रहे हैं और बंधवा भी सब रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमारे यहाँ जो बंधाई हो रही है वो गन्ना का पत्ता जो है, पत्ता ऐसा पकड़ते हैं ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हैं, मगर इनके यहाँ नीचे का पत्ता लेके ऊपर बांध रखा है। तो एक बढ़िया अच्छा तरीके से अलग ही खेत दिख रहा है। ये एक हफ्ता पहला, 18 पहला है या ये 11? एक हफ्ते का फर्क है, 11/0/15 को। हाँ 11/0/15 पहला है। हाँ एक हफ्ता पहला। सिंगल बड़ी लगाई हुई ना, तो ये दो आंख का लगाया मैंने, दो का। और 18 भी दो आंख का है। तो आप एक बात बताइए किसान भाइयों को, जैसे बीज 3 लाइन का लगाना चाहिए या 2 का, जैसे आप काफी दिन से लगा रहे हो फिलहाल, और अपना अपना मतलब कि 3 बड़ का। अच्छा, या दो बड़ का। मैं तो 2 बड़ का लगाता हूँ, 1 बड़ का भी लगाया मैंने। हाँ जी। और उसमें क्या हुआ कि वो गैप काफी हो गया कई बार। हाँ जी। जो जर्मिनेशन नहीं हुआ, या उसका तरीका ये है कि आप अपनी पौध तैयार रखें अलग से। 1 बड़ का हमने भी लगाया था, हम उसमें मैं कुछ बात साझा करना चाहूंगा, उसमें हम फेल थे कि वो जैसे मिट्टी कम जहाँ चढ़ी वो गिरता ज्यादा है, यदि डबल आंख का आप बोगे वो सिंगल बड के मुकाबले, अगर ट्रंच पाप बो रहे हो, हाँ, सिंगल बड़ बो रहे हो, हाँ, तो उसे कभी भी पैरेलल ना रखो। अच्छा, बड़ को ऐसा रखो अगर ट्रंचर से। तो देखिए विक्रांत भाई ने भी बिल्कुल एक नई तरीका बताया। वो खेत तुम्हारा देखा हुआ था, हमारा सिंपल है, वो देखा हुआ था ना पिछली बार जो बोया था तो गिरा था, वो ऐसा बो रखा था आपने, ऐसा बो आप सीढ़ी नुमा तो फिर नहीं गिरेगा वो। मेरा जो आपने प्लॉट देखा सीढ़ी नुमा बोआ हुआ है। तो भाई ने एक बड़ी अच्छी जानकारी दी, देखिए ये बैंगन का प्लॉट है भाइयों। वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, एक नई जानकारी के साथ में वीडियो दे रहा हूं। आप देख पा रहे हो कितना सुंदर खेत खड़ा है, और यदि कोई भी किसान भाई कुछ अलग से जानकारी लेना चाहता हो या कुछ पूछना चाहता हो, आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चाचा जी आप जैसे इसमें सीड्स बीज जो है किसान भाई को किसी को लेना हो तो आप टाइम पे मैं दे दूंगा, अवेलेबल करा देंगे ना, मार्च में दे देंगे, कोई सी बात, मार्च में, हाँ फरवरी मार्च में, हाँ तो आप फरवरी के बाद ही बुआई 0/118 की बुआई बताते हैं कि आप 20 फरवरी के बाद लगाएं। बिल्कुल है ना। हाँ, और इसकी कटिंग भी जो है गन्ना जो कटाई करोगे, हाँ जी, तो वो भी 20 फरवरी के बाद। बिल्कुल भाई, बहुत स्वस्थ खेत खड़ा है, तो बीज भी ऐसे खेत से लेना चाहिए। त्रिवेणी ग्रुप ने जो है ना, हाँ, अपनी फैक्ट्री इन लोगों ने अवेलेबल कराया था करनाल से, करनाल संस्थान से, तब मैं भी लेकर आया था, तुम लाए थे ना, हाँ, तो भी इनके साथ ये हमारे से पहले लेकर आए थे। तो बड़े अच्छा खड़ा है, बड़ा सुंदर खड़ा है खेत, मन मुग्ध हो गया खेत देख के कि हाँ भाई 18 ऐसा भी हो सकता है, इन्होंने करके भी अच्छा हो सकता, करके दिखाया है इससे भी। और एक बात मैं और बताता हूँ, भाई हमारे जो ये चाचा जी हैं ये पहले बाहर रहते थे, ये दिल्ली थे, इन्होंने पिछले 5-6 साल से आके खेती स्टार्ट करी है कोरोना के बाद में, और आप देखिए तब इतना बेटर खेती कर पा रहे हैं, है ना, ऐसा ही है ना जैसे ऐसा ही है। हमारे किसान भाई को कुछ और कहना चाहते हो आप इस वीडियो के माध्यम से? किसान लोग सब जानते हैं, नहीं फिर भी मतलब खेती थोड़ी नाजुक नहीं हुई। आपने जैसे 5 सालों में कुछ अलग करके दिखाया। मैं खेत पे ही बैठता हूँ पूरे दिन, अब इससे आप अपना अंदाजा लगा लीजिए, हाँ। कि खेत के साथ रहो, फसल के साथ रहो, देखो रोज चेक करो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे बुआई करके इसको आजाद मत छोड़ दो। यदि आपसे किसान भाई कुछ फोन पे पूछना चाहें तो आप बता सकते हैं ना? बिल्कुल तो आप अपना नंबर और बोल दीजिए फिर भी। और भाई एक सबसे पहले मैं बात कहना चाहूँगा, तायु जी जो हमारे चाचा जी हैं, फ़ोन आप करें तो टाइम ये बता देंगे, उसी टाइम फ़ोन करें, डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन्हें काम इतना है बहुत ज़्यादा, भाई ठाली बिल्कुल नहीं है, तो नंबर बता रहे हैं ये, तो टाइमिंग पहले बता दें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी जब भी मेरा फ़ोन खुला होगा मैं अटेंड करूँगा। आप तो फ़ोन बंद है तो समझो कि मैं सो गया या आराम, हाँ, हाँ, कर रहा हूं या कहीं भी जी हूं। नहीं फिर भी आप टाइम बताना चाहें। 9911, हाँ जी, 358, हाँ जी, 000, ठीक है जी। तो नंबर भी आपको बता दिया, और आप जो है कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।